અને હવે સીધા જઈએ સાંભળીએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહને. આજ કે રજાકારો કે હાથ મેં સોંપના ચાહતે હૈ એ તેલંગાણા કી જનતાને તય કરના હૈ. ગેર સંવૈધાનિક રૂપસે 12% માઇનોરિટી આરક્ષણ કા પ્રસ્તાવ કરકર ભારત સરકાર કો ભેજના એ એપીસમેન્ટ કી પોલિટિક્સ નહીં હૈ ક્યા? જબકી હમારા સંવિધાન ધર્મ આધારિત આરક્ષણ કો રિલિજિયસ આરક્ષણ કો કહીં માન્યતા નહીં દેતા હૈ. ઉનકો ભી માલૂમ હૈ એ આરક્ષણ હો નહીં સકતા. ઉનકો ભી માલૂમ હૈ કેન્દ્ર મેં ભારતીય જનતા પાર્ટી કી સરકાર હૈ, ધર્મ આધારિત આરક્ષણ કો માન્યતા નહીં દેગી. સિર્ફ વોટ બેંક કી પોલિટિક્સ કે લીએ उन्होंने ये आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेजा है. मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अगर फिर से यही सरकार आती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी. यहां पर कांग्रेस पार्टी, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों ने भी मिलकर एक गठबंधन बनाया है. मित्रों, कांग्रेस पार्टी कैसे तेलुगु जनता के वोट पर अपना अधिकार जताती है मैं समझ नहीं सकता. आज भी 1983 में मुख्यमंत्री अंजैया जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है. आज भी नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है. और अभी जब अटल जी का निधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने और देश की जनता ने जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया, उससे नरसिम्हा राव की याद और ताजा हो गई है कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी को उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान देने में कांग्रेस ने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. अटल जी के समय में भी 3 राज्य बने.